नहीं तो हम चैलेंज कर रहे हैं, एक लड़की खूबसूरत है, एक लड़का को एक बंद कमरे बंद कर दो 24 घंटे के लिए, देखना उसका सब लिपस्टिक और उसका काजल सब बिखर जाएगा। चौहान के साथ में शिल्पी सोई नहीं होगी, जरूर शारीरिक संबंध बना होगा। ये कैसे कह सकती है, 2 साल से आप किसी मर्द के साथ में है सर, कैसे आप मान रहे उसके साथ कुछ नहीं हुआ? आप शादी करना चाहते तो मेरे घर आइए रिश्ता लेकर के, अगर मेरी मम्मी पापा को पसंद आप आएंगे तो बिल्कुल हमारी शादी आपसे। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ देख सकते हैं कि हीरोइन सी दिखने वाली गायिका मौजूद है, ज्योति कश्यप, जो कि आजकल देखिएगा ना, शिल्पी राज का जो मुद्दा आजकल हाईलाइटेड जो चल रहा है, जो कि विवेक पटेल 2 साल बाद आते हैं पटना में, नया तौर से यह मुद्दा उठते आई है। सिंगर रह चुकी है उस टाइम के, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या सच्चाई है। कैसी है, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने भी गंगा न्यूज के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा दिल से नमस्कार है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, जो विवेक पटेल ये चीजें कर रहे हैं, 2 साल आखिर बैठ क्यों गए थे? गरा हुआ मुर्दा उखाड़ने का क्या जरूरत था? अगर ये चीजें करनी थी तो वो 2 साल पहले क्यों नहीं किए? अच्छा, जानती है विवेक पटेल को, शिल्पी राज को? आप कब से गायकी मतलब कर रही है, कब से स्टार्ट कर रही है? आजकल तो पत्रकारिता भी कर रही है आप। जी, गायकी का क्षेत्र में मैं आई थी 2017 में ही, और लेकिन उस बीच में फिर मैं अच्छा कर रही थी, अच्छा मेरा नाम काम सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से मैं स्टॉप कर दी थी। लेकिन अभी फिर से पत्रकारिता में आई हूँ और सिंगिंग को भी कंटिन्यू रखूंगी। अच्छा, ये बताइए शिल्पी राज को आपको मतलब कब से जानती है? बहुत पहले से जानती हूँ, 2017 से आई हूँ, समझ जाइए कि जब उसे आई है वो तब से हम उसको साथ में मिली उली है, मतलब रहे हैं साथ में कि नहीं? बहुत बार मिली है, जैसे कि मैं बादल खान के स्टूडियो में, बीजी स्टूडियो है बगल में 2 नंबर गेट, 1 नंबर गेट के पास में, वहाँ पर भी वो आती थी विवेक के साथ में, तो मेरा पैर उड़ भी छूती थी। तो एक बार छुई तो जैसे मैंने पूछा कि ये कौन है तुम्हारा, तो विवेक जवाब नहीं दिया, लेकिन शिल्पी फटाक से जवाब दी कि मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड बताया? हाँ, मुझे। लेकिन अभी तो बता रहे लोग कि शादी नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं वो उसका कहना कि शादी हो चुका है, और विजय चौहान पे आरोप लगा रहा है कि मतलब हमारी वाइफ को फोड़ दिए, लेके चले गए, क्या कुछ जानती है, क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये सब चमचागिरी करना बंद कर दो, तुम ही लोग के वजह से किसी का जिंदगी बर्बाद होता है। अगर वो लोग हस्बैंड वाइफ है तो तुम लोग को क्या जाता है भाई? आज वो टीआरपी बटोर लिए, अच्छा लेवल पर चली गई, तो क्यों किसी का घर तोड़ रहे हो? ये गलत चीज है ना। अच्छा, आप लड़की है, गायिका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़की जाती है छोड़ के, तो मतलब क्या दिक्कत है? क्या आप मतलब मेरे साथ अगर नहीं रहना चाहती है तो मैं जबरदस्ती रखने का हकदार नहीं हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जबरदस्ती तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप प्यार करती थी और वो लड़का आपके कारण बर्बाद हो गया बुरी तरह से, क्योंकि उसका फोन का भी दुकान था, सारा चीजें वो खुद को बेच दिया उसके चलते और उसको आगे बढ़ा दिया, तो कम से कम इसको भी कहते हैं ना कि एक सांप भी दूध का कर्ज निभाता है, तो ये तो इंसान है, हम लोग इंसान कैसे किसी का मतलब इतना मेरे लिए वो किया उसका हम ये भूल जाएंगे? नहीं भूलना चाहिए। मतलब नहीं रहना चाहती है तो जबरदस्ती, मेरा यही सवाल है कि जबरदस्ती कोई रखेगा तो कोई रहेगा? देखिए, मैं जबरदस्ती आपको रखना चाहूंगा, रहेंगी साथ? यहाँ रखने और रखाने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है लड़की आगे बढ़ गई तब छोड़ दी है, तो ये तो गलत बात है ना। आप मतलब पूरा क्या बोलते हैं लिवाज में है, आपको हम चड्डी बनियान पे करके छोड़ देंगे तो आपका क्या रहेगा? ना तो आप शर्ट में रहे ना पैंट में रहे, आपको चड्डी बनियान पे छोड़ देंगे, आप कहीं जाने लायक रहिएगा? तो ये तो गलत बात है ना, कम से कम इसको उस लायक हम आपको छोड़ देते, आप जैसे थे मेरे सामने वैसे ही हम आपको छोड़ देते। मतलब दिल में क्या है शिल्पी का, क्या नहीं है, ये तो आप ना आप जानती है ना हम, क्या आप जानती है कि दिल में शिल्पी के क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या छोड़ी है? देखिए, अब कहते हैं ना कि कोई आपको अगर हाथ धराता है तो पूरा सर पे ही बैठ गया, वही हाल है। अब विवेक ने उसको सपोर्ट किया, आगे लेके गया, तो उसको बाद में लगा कि विजय, ये जो विजय चौहान है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा करेगा, तो अब उसके साथ हो गई, तो ये तो फितरत बदलना हो गया। और हम कहेंगे दो रंग के जो बदलते है ना, गिरगिट वाला जो ये करते हैं, वो बिल्कुल इंसान सही नहीं होता। अच्छा, कैसे शुरुआत किया था आपने, क्या कुछ जानते हैं आप इस बार मैटर में, कैसे मिले थे, कैसे नहीं मिले थे विजय चौहान से? देखिए, विजय चौहान शिल्पी के बारे में तो ही पता चला कि विवेक क्या चला क्या, हम लोग खुद देख रहे अपनी आंखों से, विवेक ने उसको सीढ़ी पर सीढ़ी ले गया, उसके बाद जब छत मिला तो विवेक को हिटेल दी और अपना छत पे जाकर बैठ गई, तो गलत बात है ना? यही बात है, बिल्कुल। अच्छा चलिए, अपना गाना कुछ आपका कोई हिट सॉन्ग बजा है या कुछ है आप? अच्छा, बहुत सारा गाना मेरा हिट रहा है, लेकिन अभी मैं पवन जी का मतलब गाना गाऊंगी, पवन जी का मैं फैन हूँ, बहुत ही अच्छे वो है और उनके बारे में मैं काफी ज्यादा न्यूज भी बनाती हूँ, तो चलिए आते गाते। कि मन के सवरिया बन गईला तू, चुप के से का कहिला तू, नस नस में तू गईला समा, डाली दिला
परेशानी में गजब के रोगी धरा रे हला ए राजा हमके जवानी में। रोगों तो नहीं लग गया जवानी में? अरे नहीं नहीं हमको नहीं लग सकता है। ऐसे ऐसे आई इतना दर्द भरा गाना? अरे दर्द भरा नहीं, इसमें प्यार भी छिपा हुआ है, दर्द भी छिपा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बस पवन जी का ये गाया हुआ गाना मुझे पसंद पड़ता है इसलिए मैं गाई हूँ, और मुझे कोई प्यार नहीं, नहीं है। आपको प्यार नहीं है? आजकल तो हर कोई सीखा एक दूसरे का बॉयफ्रेंड है, प्यार है, हम कैसे कह सकते हैं? मुझे अभी तक अगर प्यार है तो मेरी मम्मी पापा से, दूसरा मेरा वर्क से जो मैं अपना काम करती हूँ। अभी स्टेज मतलब प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? जोर शोर से चलता है और काफी पब्लिक का प्यार मिलता है, जहाँ भी जाती झंडा गाड़ के आती। अच्छा, मेरा दर्शक अगर कोई चाहे आपसे शादी करना या प्यार करना तो क्या कहेंगे ये पहले बताइए? दर्शक मतलब कोई किसी कोई आपको मतलब फॉलो करता हो या चाहे कि शादी करना चाहे, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे घर आइए रिश्ता लेकर के, अगर मेरी मम्मी पापा को पसंद आप आएंगे तो बिल्कुल हमारी शादी आपसे कर दी जाएगी। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ज्योति जी को कौन कौन लोग पसंद है, और ये शादी भी अपना ऑफर रख दी है, और शिल्पी और विजय चौहान और विवेक पटेल के बारे में भी ये जानती है शुरू से, जो कि इन्होंने बताई है। जाते जाते मैं कहना चाहूंगी कि अगर शिल्पी सच में आप उनकी पत्नी है तो बाबू ये गलत चीज है, आप एक बार सामने बैठिए विवेक का, अगर आप उस जगह पे रख के देखिए जहाँ पे विवेक है, अपने आप को रख के देखिए क्या दर्द होता है। वो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में देख रही थी कि ये लोग बता रहे थे कि शिल्पी के कारण विवेक अपनी माँ को खो दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है बाबू। अगर आप लोग में नहीं बन रहा है तो आप लोग आपस में बैठ के पैचअप कर लो, है ना, क्या ये सब चीजें हैं। खुद को भोजपुरी इतना एक पहले से बदनाम है, ऊपर से आप लोग मिलकर और बदनाम कर रहे हैं। कुछ चीजें आ रही थी सामने कि शिल्पी राज का MMS वीडियो वायरल हुआ है, इस चीज पे भी लोग बोल रहे हैं कि उसका MMS है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगी उसका MMS है। देखिए लड़की है, लड़की का इज्जत ढकना चाहिए, ये नहीं कि अब उसका इज्जत आप नीलाम कीजिए, सब चीजें गलत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं प्लीज स्टॉप कीजिए, और अगर किसी का MMS आपके सामने आता भी है तो प्लीज यार क्या करते हो, आपके घर में माई बहन होती है उसको दबा के रख दो यार, वहीं पे डिलीट करो यार, आप लोग बढ़ावा देते हो, सोचो कम से कम आपके माई बहन के साथ में ऐसा होगा तो। VIP विजेंद्र सिंह बोलते हैं कि हम विवेक पटेल पे मतलब कि FIR करेंगे, हम केस करेंगे, सारा वीडियो वीडियो जितना है वो वायरल किया, जितना शिल्पी का कमीनी था वो खाए हैं, वो मलाई चखे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए हर किसी का अपना अपना नजरिया है देखने का, हर किसी का सोचने का अपना दिमाग है, अलग तरीके से सोचते हैं, उनको पता नहीं क्या सोच रहे, किस तरह से वो बोल रहे कि हम उसके ऊपर FIR करेंगे, ये तो उनकी मानसिकता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि विवेक और शिल्पी को एक बार साथ बैठना चाहिए और ये सब कहानी पे बात करना चाहिए और इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। विजय चौहान का आरोप लगा रहे हैं कि फोड़ दिए शिल्पी को, क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं तो विजय चौहान तो आए ही हैं, अगर ये इतने ही अच्छे थे तो इनको समझाना चाहिए था कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, किसी की पत्नी है, तो आप अगर मेरे साथ आप आ रही हैं, दो साल से कंटिन्यू आप मेरे साथ है, तो ऐसा तो नहीं है कि विजय चौहान के साथ में शिल्पी सोई नहीं होगी, जरूर शारीरिक संबंध बना होगा। ये कैसे कह सकती है? दो साल से आप किसी मर्द के साथ में है सर, कैसे आप मान लेंगे कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा? मतलब जरूरी है कि दो साल रहेंगे तो शारीरिक? अरे एक बंद कमरे में आप रहिए तो किसी गैर मर्द के साथ में आपको छोड़ेगा, पहले चिथरा चिथरा आपका उड़ा देगा, बंद कमरे में रहिए तो आप बढ़िया आदमी रहेगा तो कोई ऐसा बात? अरे ऐसा आप ही को बंद कर दिया जाए किसी जमाल लड़की के साथ, बंद कमरे आप ही अपने आप को नहीं रोक पाइएगा बात? नहीं ऐसा ऐसा ही मत कहिए। कैसे ऐसा कैसे आप ही कैमरा के सामने बोल रहे हैं ना, अगर बंद कमरे में आपको बंद कर दिया जाए ना आप ही अपने आप को नहीं रोक पाइएगा बात करते हैं। नहीं आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई है, नहीं तो हम चैलेंज कर रहे हैं। एक लड़की खूबसूरत है, एक लड़का को एक बंद कमरे बंद कर दो 24 घंटे के लिए, देखना उसका सब लिपस्टिक और उसका काजल सब बिखर जाएगा, बात करते हैं आप। चलिए तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत हमारे वीडियो में? यही लोग हैं, ठीक है, इसीलिए कभी भी आप दूसरी के बहन को अपनी बहन समझ के उसके साथ रहिए, दूसरी की माँ को अपनी माँ समझ के उसके साथ जो भी काम है वो कीजिए, तब आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ये चीजें गलत है सर। तो चलिए हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं शिल्पी राज और विवेक पटेल के जो अभी मुद्दा जो चल रहा है, तो आप लोगों की क्या राय है, अगर कुछ कोई जानता है तो इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, क्या सच्चाई है हमको नहीं पता है, और इनकी इनके लिए भी अगर कोई और इंटरव्यू आप लोग चाहते हैं कि और भी मैं कुछ सवाल करूं तो आप लोग अपना सवाल कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर सवाल रखेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।